हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी पीवो ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड है, एल्गोस के ऊपर बेस्ड है और M6 के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मैं काफी टाइम तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया, और उसके बाद में जब मैंने इसके अंदर कुछ मैनुअल ट्रेड्स किए तो मुझे लगा इसके अंदर मैन्युअली मैं ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाऊंगा, और इसके लिए मैंने इसके अंदर एल्गोरिथम बना दिया, इसको एक एल्गो प्रोग्राम बना दिया, और आज मैं इस एल्गो प्रोग्राम को मेरे एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यूज करता हूँ। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, अगर आप भी एक एल्गो प्रोग्रामर हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, अगर आप एल्गोरिथम लिखना जानते हैं, या अगर आपके पास में कोई एल्गो प्रोग्रामर है जिसको आप हायर करके प्रोग्रामिंग करवाते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आपको शायद कुछ हद तक यूजफुल हो जाए। तो चलिए आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी जो है ये हम M6 के अंदर यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको M6 का चार्ट दिखाता हूं। सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको ले जाता हूं सबसे पहले क्रूड ऑयल के चार्ट के अंदर, क्योंकि मैं यहां पर स्ट्रेटेजी को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये दो कमोडिटीज के अंदर यूज कर रहा हूं, और इनके ऑप्शंस बाइंग करके मैं स्कैल्पिंग करता हूं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आज का चार्ट है 15 मिनट का। तो आप ये देखिए आज के दिन में किस तरीके से क्रूड ऑयल यहां पर ओपन होकर फिर इस तरीके से ऊपर गया, और फिर यहां से नीचे आकर फिर ऊपर फिर नीचे। तो आप देख सकते हैं बेसिकली इसने ऊपर नीचे दिन में 2 से 4 बार कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं पहले का दिन देखूं तो यहां पर ये नीचे की मूवमेंट बनाई, फिर ऊपर की मूवमेंट बनाई, फिर इसने नीचे किया, फिर ये ऊपर किया। उसके पहले देखूं तो यहां पर इसने जो है ये थोड़ी सी बड़ी वाली मूवमेंट बनाई, यहां से लेकर यहां तक नीचे आया, सबसे पहले यहां से ये नीचे आया, फिर यहां से इतना ऊपर गया, उसके अंदर फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। उसके पहले का दिन देखे तो यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। उसके पहले देखे तो यहां पर ओपन होकर फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इतना नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, अगले दिन फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये आप अगर आप देखते रहेंगे तो ये क्रूड ऑयल का या नेचुरल गैस का एक जनरल ट्रेंड है कि वो कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी न किसी तरीके की जिगजैग मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट बनाते रहते हैं। तो इसी चीज को लेवरेज कैसे करना है ऑप्शंस में, यहां पर जिस भी समय आप काम करते हैं तो स्ट्रेटेजी इस तरीके से काम करती है कि हम जिस समय भी स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं हम ये देखते हैं कि कमोडिटी, जैसे अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल इस समय कौन से प्राइस पे चल रहा है, और उस प्राइस पर उसकी एट द मनी की कॉलर पुट जो भी है उसके अंदर हम ट्रेड शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत सबसे पहले दोनों कॉल एंड पुट दोनों को बाय करके करते हैं, उसके बाद में अगर किसी भी एक डायरेक्शन में जब मार्केट जाता है तो उसके अंदर हम प्रॉफिट बुक करते हैं और उसको स्ट्राइक प्राइस को शिफ्ट करते जाते हैं, और अगर कोई ऑप्शन लॉस में जाता है तो उसके अंदर हम उसकी एवरेजिंग करते जाते हैं, और वो एवरेजिंग हम 4 या 5 बार तक ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट जब ऊपर जाता है तो हम कॉल के अंदर प्रॉफिट बुक करते हैं और पुट को एवरेज करते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तो पुट के अंदर प्रॉफिट करते हैं और कॉल को एवरेज करते हैं। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है तो हम स्ट्राइक प्राइस को रोल ओवर करते हैं, और वहां पर डेफिनेटली हमको कुछ लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये जो एल्गो है दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी है, इसको मैं इंट्राडे में नहीं, मैं इसको पोजिशनली यूज करता हूँ ताकि जो क्रूड ऑयल की पोजिशनल मूवमेंट है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक कमोडिटी है, वो ऐसा नहीं है कि 100 रुपए से जो है 8,000, 10,000 या 20,000 तक चला जाएगा। अगर हम उसकी हिस्टोरिकल मूवमेंट देखें तो वो एक रेंज के अंदर चलता है, नो डाउट कि वो कभी 7,000 भी जाता है और कभी 3,000 भी आता है, लेकिन वो एक रेंज के अंदर पिछले काफी सालों से चल रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट को यूज करके यहां पर हम ऑप्शंस के अंदर कॉल और पुट को बाय और सेल करते हैं, और उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं। यहां पर हमने ऑप्शंस बाइंग क्यों करी और ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करी? ऑप्शन सेलिंग कमोडिटीज के अंदर बहुत हाई मार्जिन वाला गेम है, इसलिए अगर मैं एक लॉट भी अगर क्रूड ऑयल का सेल करूंगा तो मुझे तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं एल्गोरिथम के थ्रू नहीं कर सकता, और मैं जिस तरीके से करना चाहता हूँ उस तरीके से मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता। ऑप्शन बाइंग के अंदर मुझे 20-25 हजार रुपए में काम हो जाता है तो मेरे लिए वो सहूलियत है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 24 तारीख को शुरुआत करी इस पॉइंट पे, तो यहां पर मैंने कॉलर पुट बाय किया, जब यहां से ये मार्केट ऊपर जा रहा था तो डेफिनेटली मुझे कॉल में प्रॉफिट हो रहा था और पुट के अंदर लॉस हो रहा था, तो मैंने कॉल के अंदर प्रॉफिट बुक किया और आगे वाली कॉल एट द मनी की जो नई वाली कॉल है उसको मैंने बाय कर लिया, और पुट
को मैंने जो है एवरेज आउट किया, मतलब उस जो मैंने पुट खरीदी उसमें फिर से एक और लॉट एड ऑन किया, फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद में जब मुझे और लॉस हुआ तो मैंने एक और पॉइंट एक और लॉट ऐड किया, और जब मार्केट नीचे आया तो मैंने उस पुट में प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, और जो कॉल मैंने यहाँ पर ऐड करी थी अब उसके अंदर मुझे लॉस हो रहा होगा तो मैं उसके अंदर एवरेजिंग शुरू करूंगा। तो इस तरीके से मैं काम करता गया करता गया करता गया, मेरा एल्गो बाय करता जाता है। तो यही आज का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। तो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में यहाँ पर हम जाते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, तो क्रूड ऑयल के अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे ऑर्डर्स जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट हुए हैं। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सुबह 9 बजे, तो हमने 9 बजे 10 बजे 9:10 पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने 5,800 की पुट ऑप्शन को यहाँ पर बाय किया 215 रुपए में, और उसी समय हमको कॉल के अंदर प्रॉफिट हो रहा था थोड़ी समय बाद, तो हमने कॉल को सेल कर दिया 286 में। उसी के बाद में देखिए जो 5,800 की पुट ऑप्शन जो हमने बाय करी थी वही यहाँ पर वापस और नीचे आ गई 193, तो हमने 193 में एक और लॉट इसका बाय कर लिया, और 286 के बाद में हमने 298 पे यहाँ पर ये कॉल ऑप्शन को सेल किया। अब 298 के बाद में फिर हमने जो है 5,800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर, जैसे मैंने स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर अब रोल ओवर कर दिया, यहाँ पर मेरी प्रॉफिट हो गया, अब मैंने यहाँ पर इसको रोल ओवर कर दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर पुट को जो है, मैंने यहाँ पर जो पुट नीचे बाय किया था 215 और 193 में, उसको मैंने यहाँ पर सेल करना शुरू किया 213 227, फिर यहाँ पर 227 के अंदर वापस से मैंने 207 में इस पुट को वापस बाय कर लिया, 20 रुपए यहाँ पर फिर मैंने कमा लिया। फिर इस पुट को मैंने 222 में यहाँ पर सेल किया, देखिए 2:17, फिर वापस एक और पुट मेरे पास बचा था उसको 239 में मैंने सेल किया। जो कॉल मैंने पहले बाय किया था उसमें मैंने फिर से एवरेजिंग करी, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को शिफ्ट किया 5,800 से 5,700। तो इस तरीके से ये पूरी पोजीशन जो है मेरी चलती गई। उसी तरीके से मैं आपको अगर नेचुरल गैस दिखाऊं तो नेचुरल गैस में भी इसी तरीके से ये काम कर रहा है, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने कॉल बाय किया, फिर पुट सेल किया, फिर यहाँ पे जो कॉल 16 रुपए में बाय करी थी उसको 17 रुपए में सेल किया, जो पुट यहाँ पर 17 रुपए में सेल करी थी उसको मैंने यहाँ पर पुट को 15 रुपए 90 पैसे बाय किया, और इस तरीके से पूरे दिन चलता रहा। अभी लास्ट ट्रेड जो मेरा हुआ था वो 8:02 पे हुआ था। तो इसी तरीके से ट्रेड करते 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 है जो है मैंने छोटा छोटा सा करके करके जो है वो आज के दिन के अंदर मेरी 2 कॉल की पोजीशन है और 3 पुट की पोजीशन है। नो डाउट इसमें से कुछ पोजीशन मेरी कैरी फॉरवर्डेड भी है, क्योंकि ये एक पोजिशनल एल्गो है, ये इंट्राडे एल्गो नहीं। और उसी तरीके से अगर मैं नेचुरल गैस में दिखाऊं तो नेचुरल गैस के अंदर छोटा सा प्रॉफिट है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें उतनी मूवमेंट शायद नहीं आई, या अभी मेरी पोजीशन जो है पुट के साइड में बिल्डअप हो गई है तो यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा है। जैसे ही नेचुरल गैस थोड़ा सा नीचे आएगा तो मुझे यहाँ पर एकदम से अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और मैं जब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करूंगा पुट के अंदर तो यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हम स्ट्राइक प्राइस को शिफ्ट करते हैं और मार्केट के अप एंड डाउन को कैप्चर करते हैं, और इसीलिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर मेरे पर्सनल यूज के लिए एक एल्गो जैसे मैंने बताया बनाया हुआ है, जहां पर मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट के अंदर, और फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ मुझे कितने लॉट से शुरू करना है, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ लिख देता हूँ कि भाई मुझे मेरा स्कैल्पिंग का टारगेट कितना है, मतलब मुझे कितने कितने पॉइंट्स के अंदर बुक करना है। जैसे क्रूड ऑयल के अंदर मैंने 1,600 रुपए कॉन्फिगर किए हैं, नेचुरल गैस में 1,300 रुपए किए हैं। तो जब भी मैं जो प्राइस पे बाय करता हूँ उसके अंदर जैसे ही मुझे 1,300 रुपए के अंदर प्रॉफिट आता है नेचुरल गैस पे तो मैं उसमें एग्जिट करता हूँ, और क्रूड ऑयल में जब मुझे 1,600 रुपए का प्रॉफिट आता है तो मैं उसमें एग्जिट करता हूँ। तो आप भी अगर प्रोग्रामिंग जानते हैं, और अगर आप एल्गोस डिजाइन करते हैं, एल्गो प्रोग्रामिंग करते हैं, और अगर आप एल्गोस में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये स्ट्रेटेजी जो है आप इसको इसी तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हैं, और आपके कुछ और भी आइडियाज है तो आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके इस तरीके की स्ट्रेटेजी का आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक रेंज में काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप उसके अंदर स्कैल्पिंग करके उसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है कि हम कोई भी क्वांटिटी को हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते। अगर मार्केट एक डायरेक्शन हो भी गया तो हम, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम पुट को एक लेवल तक एवरेज करेंगे, जैसे 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी या 5 क्वांटिटी तक ही हम पुट को एड ऑन करेंगे, उसके बाद में हम फिर और ज्यादा पुट्स एड ऑन नहीं करेंगे, हम मार्केट का रिवर्स होने का वेट करेंगे और हम हमारी सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को शिफ्ट करते रहेंगे। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने अपने एल्गो में लगाकर इस तरीके से एक छोटा सा एल्गो मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है, और वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था कि एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी को आप एल्गो में डिजाइन करके काफी अच्छे तरीके से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और एक डिसिप्लिन के साथ करवा सकते हैं। और M6 के अंदर सबसे खास बात यह है कि M6 सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात को 11:30 बजे बंद होता है, तो पूरा दिन होता है आप के एल्गो
एल्गो के पास में इसके अंदर बाइंग सेलिंग करके जो बीच का गैप है वो निकालने की, बस यही मैं आपको आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था कि एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, आप बाकी लोगों के साथ में भी इसको शेयर और डिस्कस करेंगे। और अगर आप प्रोग्रामिंग में अंदर आए उतरना चाहते हैं, आप एल्गो से उतरना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप एल्गोरिथम सीखकर, प्रोग्रामिंग सीखकर इस तरीके की आप एल्गोस अपने लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।